मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला भाई लोन दे रहे हैं, नदीम भाई लोन मांग रहे हैं। नदीम भाई ने लोन मांगा अब्दुल्ला भाई से, अब्दुल्ला भाई ने कहा कि नदीम भाई कुछ डिपॉजिट के तौर पर रखने के लिए है, तो नदीम भाई कह रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये सोना है। अब सोने की वैल्यू निकालें तो 1 लाख रुपए की वैल्यू निकल रही है, सोने की 1 लाख रुपए की वैल्यू निकल रही है। अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि 1 लाख की वैल्यू का सोना है, लेकिन मैं सिर्फ 75,000 लोन के तौर पर दूंगा तुम्हें। हाँ, 2 लाख सोना लाएंगे ना तो 1.5 लाख का मैं दूंगा, 75% दूंगा मैं। सही है गलत है? सही है गलत है? क्या गलत है? वो देना चाह रहे हैं, उतना लोन दे रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि सोने की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी कभार सोने की वैल्यूएशन में भी बहुत इख्तलाफ होता है, आदमी को लगता है मेरे सोना तो इतनी वैल्यू का है, हाँ, लेकिन उसमें मिक्सचर कंपोनेंट वगैरह, चांदी वगैरह क्या है मिक्स। हमें पता है कि कोई चीज़ होती है जो सुनार होता है ना, ये सुनार की बिजनेस में बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, क्योंकि वो लाइन के अंदर बहुत सारे शरई रूल्स टूटते हैं। हमें सही इस्लामिक सुनार चाहिए जो इस्लामिक दायरे में रहकर सुनार का काम करें, और अल्लाह उनकी इनकम में बरकत देगा, उन्हें गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं जैसे आदमी ने ख़रीदा था, अब ये 20 कैरेट है, लेकिन देख रहे हैं तो 16 कैरेट है। तो ऐसे बहुत कॉमनली होता है। तो आदमी का कहना है 1 लाख रुपये, लेकिन वैल्यूएशन में उसकी कुछ वैल्यूएशन कम समझी जा रही है। तो ऐसा बहुत कॉमनली होता है। गोल्ड के रेट्स फ्लक्चुएट भी होते हैं, खासतौर से आजकल की मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि कैसे गोल्ड के रेट्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर ये कहते हैं कि मैं 75% दूंगा ताकि उनकी सिक्योरिटी, उनका लोन हमेशा कवर्ड रहे, कि अगर 75,000 का लोन है तो उनके पास 75,000 की सिक्योरिटी तो रहे ही, ज़्यादा थोड़ी हो गई तो वो खाएंगे नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।